Hi children, welcome to the session 2, day 9, class 7, subject maths, chapter 4, and simple equation. Last day, on day 8, we have studied the basic terminology used in chapter 4, that is simple equation. Beta, जो डे 8 था उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी. किसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जो चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन में यूज किए जाते हैं? उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर हमने इक्वेशन पढ़ी, फिर इक्वेशन के बाद हमने टर्म्स पढ़ी, फिर कोएफिशिएंट पढ़ा. आज और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा ये था कि हमने उसमें इक्वेशन कैसे सेटअप की जाती है वो पढ़ा. आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या होता है. व्हाट डज एन इक्वेशन मीन? इक्वेशन मींस कंटेनिंग इक्वल साइन, मतलब एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल साइन है. एंड इफ The equation has the equal sign, then it must have two sides. अगर किसी भी algebraic expression में equal sign है, तो उसके दो sides होंगी. एक तो left hand side and दूसरी right hand side. Means like this. इसकी जैसे Now, see, देखो बेटा, ये जो साइड है ये आपकी कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म LHS, और ये जो कहलाएगी आपकी राइट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म RHS. इस तरह हम बता सकते हैं कि इक्वल के लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट में जो है वो राइट हैंड साइड है. ठीक है, तो इस तरह आप एक इक्वेशन को सेट कर सकते हैं. और बेसिकली इन शॉर्ट इक्वेशन को डिफाइन किया जाए तो ये बताया जाएगा, तो कहा जाएगा एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स इक्वल साइन एंड हैविंग टू वैल्यूज ऑफ व्हिच वन ऑफ देम कंटेन अनदर एन वेरिएबल. यानी सीधी सीधी भाषा में, छोटी छोटी सीधी सी भाषा में कह दूं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन होगा उसकी दो वैल्यूज होंगी, दो में से एक में वेरिएबल होगा. अगर वेरिएबल नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं बनेगी. ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ये हमारा इक्वेशन का बेसिक मीनिंग था. नाउ आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 में क्या है. पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. टेबल का लास्ट कॉलम को क्या करो आप, कंप्लीट. तो आप साफ साफ देखना, सीरियल नंबर दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, एंड लास्ट कॉलम में पूछा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ब्रैकेट में यस और नो. इसका मतलब क्या है कि लास्ट कॉलम में आपको बताना है यस या नो. अब वो यस या नो डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, उसको सॉल्व करना पड़ेगा. वो कैसे सॉल्व होगा उसके लिए देखिए बोर्ड पे मैं बता रहा हूं. फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा इक्वेशन है आपकी x प्लस 3. लेकिन अभी ये इक्वेशन बनी नहीं. क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल्स टू 0. अब उसने कहा आप वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करो. क्या पुट करो? कि आप x की जगह पे क्या रखो, 3 रखो. x की जगह पे क्या रखो, 3. नाउ 3 रखने के बाद आप देखेंगे कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं. अगर आती है तो यस, नहीं आती है तो नो. तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS जो कि है x प्लस 3. नाउ अब हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, 3. यानी 3 प्लस 3 क्या मिला हमें, 6.
क्या 6 0 के इक्वल है? नो, क्यों? क्योंकि RHS किसके बराबर है? 0 के, और LHS कितना आया? 6. So LHS is not equals to RHS. So we can say last column में क्या लिखेंगे हम? No. इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन होगा. आया आपको समझ में? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन इसके बाद सेकेंड वाला वो भी कर रहे हैं हम. देखिए अगेन द सेम इक्वेशन, इक्वेशन फिर सेम है हमारी. वो क्या है? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. लेकिन अब की बार उसने वैल्यू क्या कर दी? चेंज कर दी. वैल्यू का क्या कहा उसने? पुट x इक्वल टू 0. अब x इक्वल टू 0 रखो तो देखें कैन प्रोसेस वही है पूरा हमारा. LHS लेंगे. अगेन LHS क्या है हमारे पास? x प्लस 3. x की जगह पे क्या रखा है? 0. 0 प्लस 3 एंड व्हाट वी गॉट? LHS कितना मिला हमें? 3. क्या LHS RHS के बराबर है? अगेन देखो, देख के बताओ. नो, नहीं. क्यों? क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या है? अलग अलग है. सो अगेन इसके सेकंड वाले में भी क्या आ जाएगा? नो. थर्ड थर्ड प्रॉब्लम इसकी इक्वेशन अगेन सेम, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बट द पुटिंग वैल्यू चेंज कर दी. जो पुट वैल्यू पुट कर दी है वो क्या कर दिया हमें? अपन x इक्वल टू माइनस 3. तो माइनस 3 हमें पुट कर दी है. वो कैसे कर दी है? बिल्कुल सेम प्रोसेस में. LHS क्या है हमारा? x प्लस 3, और x की जगह क्या रखना है? माइनस 3 प्लस 3. Now comes to the rule of integers addition and subtraction. जो integers का addition subtraction हमने पढ़ा था पहले chapter में भी और 6th class में भी, वहाँ से use करते हैं. जब दो number होते हैं और उन दोनों का opposite sign होता है तो उन दोनों को क्या करना पड़ता है? Subtract. लेकिन अब subtract किस में से कौन होता है? बड़े number में से छोटा number. पर यहाँ तो problem हो गई. क्या problem हो गई? कि दोनों number बराबर है 3 और 3. क्योंकि जब हम नंबर चेक करते हैं तो हम ये देखते नहीं है कि कौन सा साइन है दोनों का. सब्ट्रैक्शन में जब हमें करना होता है तो वी विल वांट सी द साइन, वी विल सी व्हिच नंबर इज ग्रेटर. आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर. ओके, तो नाउ यहां हमने देखा कि दोनों नंबर इक्वल है तो कोई बात नहीं, किसी भी 3 में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा. मैंने प्लस 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 0. नाउ comes to the turn of sign, sign के turn line. Plus का आएगा, minus का आएगा. Now of we know that zero is sign zero के आगे कोई sign नहीं लगाते. So zero zero रहता है. Now जो आपका LHS है वो RHS के बराबर आया. In this case आप कह सकते हो कि LHS equals to RHS. Yes. तो ये इस तरह से हमने आपको ओपन वाले क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपको कराया. आया बात समझ में? बिल्कुल बात समझ में आई. क्लियर? ध्यान से देखना एक एक चीज. अच्छी तरह से समझ में आ रही ना बेटा? नाउ नेक्स्ट 4.1 के क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको करा रहा हूं. अगला क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है? सेम यही प्रोसेस है फर्स्ट के फिफ्थ में भी. उसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है और वैल्यू दी हुई है. चेक करवाया आपसे कि चेक करो कि ये LHS RHS के इक्वल है या नहीं, या ये यस या नो आएगा. क्या आएगा? x माइनस 7 इक्वल्स टू 1. नाउ आपको x की जगह पे क्या रखना है? 8. नाउ LHS क्या हो गया आपका? x माइनस 7. Now, what we have replaced? In place of x, x की जगह पर मुझे 8 रखना है. 8 minus 7, that is 1. क्या ये 1 RHS के बराबर है? Yes, this one is equals to RHS. LHS equals to RHS equals to 1. यहाँ केस में दोनों ही किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? Yes.
फिफ्थ, ध्यान से देखो बेटा, जो क्वेश्चन ने कहा वही हमें करना है, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, मैं इसमें पहले तीन क्वेश्चन तो मैंने कंटिन्यू कराए फर्स्ट के, उसके बाद वन ड्रॉप वन यानी एक छोड़ के एक कर रहा हूं, आपको एक एक कर, जो मैंने छोड़े हैं वो जस्ट इसके बाद ही कर रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना बेटा। नाउ नेक्स्ट, और जो भी आज जो लेक्चर में स्टार्टिंग में इक्वेशन समझाया था वो मत लिखना, डोंट राइट दैट, वो सिर्फ समझने के लिए था। अभी यहां देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, 5x equals to 25। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या रखना है, put x equals to 5। x equals to 5 रखेंगे तो LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा 5x। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था एक्सप्रेशन पढ़ाते हुए कि जब नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तो उनके बीच का मतलब क्या है, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। That means here what we got, multiply sign, 5 multiple x means here I got 5 into x and x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 5 into 5 कितना आएगा, 25। क्या ये 25 इधर RHS के बराबर है, यस RHS के बराबर है, तो हम कहेंगे RHS equals to 25, so LHS equals to RHS equals to 25, यस। इस तरह हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, m by 3 equals to 2। अब यहां हमें m की वैल्यू कितनी रखनी है, -6, m equals to -6, तो LHS है m upon 3, m की जगह -6 upon 3 रखा, तो देखो बेटा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 काट दिया। नाउ कटिंग करने के बाद हमें मिला -2 upon 1, और 1 से किसी को भी डिवाइड करते तो हमेशा क्या नंबर आता है, वही नंबर, यानी LHS हुआ आपका -2, RHS क्या था, 2, दोनों इक्वल है, नहीं तो नो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, m upon 3 equals to 2, यहां m की वैल्यूज आपको क्या रखनी है, 6। नाउ इन दिस केस m की वैल्यू 6 रखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 6 upon 3, दैट इज 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2 upon 1 आंसर 2, LHS 2, LHS RHS दोनों आपस में इक्वल, यानी यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन नंबर कहता है हमसे कि चेक वेदर द गिवन वैल्यूज इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक करो कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमने क्वेश्चन लिखा कर ले n plus 5 equals to 19, ब्रैकेट में है n equals to 1, यानी हमें ये चेक कर रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ये इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आते हैं तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, और अगर LHS और RHS इक्वल को आते हैं तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो कि बेटा उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उस वेरिएबल की जगह कौन सा नंबर आएगा जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ये मतलब होता है सॉल्यूशन का। ओके ना, हमने LHS पकड़ा वो है n plus 5, n की जगह क्या रखना है 1, तो 1 plus 5 कितना आया 6, क्या 6 19 के इक्वल है, तो 6 is not equals to 19, so LHS that is, IE का मतलब होता है that is, LHS is not equals to RHS, यानी n, so n equals to 1 is not a solution of equation, n equals to 1 solution का equation, equation की solution नहीं है। ना दूसरा क्वेश्चन है, हमने इसका सी लिया, वो है 7n plus 5 equals to 19, 7n plus 5 19 के बराबर है। ना यहाँ n की जगह आपको क्या लेना है, 2, LHS है 7n plus 2,
मैंने आपको पहले ही बताया था, जब दो नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहां क्या होता है, मल्टीपल। तो 7 × 8 जब भी ऐसे आपको दिखे उसको ब्रैकेट में लिख लो, लाइक दिस, मल्टीप्लाई वाले को लिखा और फिर सॉल्व करो। एन की जगह पे क्या लिखा हमने, 2, 7 × 2 + 5, 7 × 2 = 14, 14 + 5 = 19, 19 equals to RHS, क्योंकि क्या RHS भी कितना है हमारा 19। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि n equals to 2 इसका सॉल्यूशन है। सो n equals to 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सेकंड का ये देखिए बेटा, इसमें है 4p -3 equals to 13। इन दिस केस इसमें आपको p equals to -4 पुट करना है। -4 के लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दिया LHS 4p -3, जैसा कि मैंने सिखाया था कि बीच में कोई साइन ना हो तो क्या साइन आएगा, मल्टीपल। तो 4p मल्टीपल 4 मल्टीपल p -3, पुट p इक्वल्स टू -4। तो देखो कर्व भी ब्रैकेट लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि हमारी जो p की वैल्यू थी ऑलरेडी माइनस में थी तो उसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है। आफ्टर दैट 4 × 4 = 16 प्लस इंटू माइनस 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 16 माइनस 13 इंटीजर रूल के हिसाब से एड हो जाएंगे, इन दोनों का आंसर आया -19। -19 13 के इक्वल नहीं है, सो LHS इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू RHS, सो -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, वैसे इतना हार्ड नहीं है ये जितना हार्ड आप लोग बनाओगे अपने लिए खुद के लिए, बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप आराम से कर सको। इसमें वैल्यू वो खुद नहीं देता, आपको अपनी पसंद की वैल्यू चूज करके पटकनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। कैसे रखेंगे, इसने कहा कि भाई 3m -14 इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालो। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, मैंने मेरे मन से भाई m इक्वल्स टू, एक बार क्या कहा कि भाई m इक्वल्स टू 1 रख रहा हूं मैं, तो ये मेरा केस 1 है, m इक्वल्स टू 1 मैंने सॉल्व किया, आंसर आया -11। -11 4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो मैंने चूज किया था वो गलत है, रॉन्ग। तो हो गया हिट मेथड, ट्रायल भी कर ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आंसर आ जाए। दूसरी केस में मैंने पुट किया कि भाई नहीं, अब मैं देखूं कि भाई ये आ जाए m इक्वल्स टू 4 पे, भाई -11 बहुत ज्यादा छोटा है 4 से, तो मैंने थोड़ा बड़ा नंबर चूज कर लिया, 2, 3 की जगह सीधा 4 चूज कर लिया। 4 में भी पुट करके मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया -2, जो कि RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब अभी भी मेरा आंसर RHS के लगभग लगभग नियर आता जा रहा हूँ, पास में आता जा रहा हूँ, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। इसका मतलब जो मैंने चूज किया था वो वापस गलत है। तो केस थर्ड में मैंने इससे भी बड़ा m इक्वल्स टू 4 से भी बड़ा नंबर चूज किया, वो चूज किया मैंने 7। 7 जब मैंने चूज किया तो मैं सॉल्व करके पूछा 6 पर, 6 तो 4 से बहुत बड़ा है, यानी दो डिजिट से बड़ा है, यानी इसका मतलब मैं अपने आंसर के नियरर हूँ, पास में हूँ, यानी 6 7 7 क्या है, ज्यादा बड़ा हो गया, इससे छोटा करना पड़ेगा, 4 से बड़ा और 7 से छोटा, तो दो नंबर बीच में पड़ते हैं 5 और 6। मैंने 6 लिया पहले और 6 लेने पे ही मेरा आंसर आ गया LHS equals to 4। तो दोनों हमारे आंसर कैसे सॉल्व हुए, केस इक्वल्स केस 4 में सॉल्व हुए। बहुत से बच्चों के हो सकता है पहला केस गलत हो, दूसरे केस में ही राइट आंसर आ जाए, ठीक है, तो डजंट मैटर, वो भी सही है, दूसरे केस में राइट आंसर आ जाता है तो वो भी सही है, लेकिन एक केस तो आपको कम से कम मिनिमम 1 केस तो ट्रायल के हिसाब से गलत दिखाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये थे बेटा आज तक के डे 9 की क्लास। डे 10 में हम आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे।